ताज़ा खबरों के लिए हमारे RRC के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं शीतल ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन चे प्रस्तुत करता घरकुल मसाले दे रोजच्या जेवणाला मायेची चव। मालेगाव अकोला रोड पर दिन दहाड़े लूट की वारदात। वीकेंड लॉकडाउन को शहर में अच्छा प्रतिसाद। मुंडेर विहीन कुएं में गिरकर 11 नील गायों की मौत। ₹108 एम्बुलेंस के जिला समन्वयक के खिलाफ बेमियादी धरना। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर कार्यालयों से कर्मचारी गायब। अब समाचार विस्तार से। मालेगांव अकोला मार्ग पर जिला परिषद के शिक्षक को दिन दहाड़े लूटने की घटना प्रकाश में आई है। दो मोटरसाइकिल चालकों ने शिक्षक की बैग, नकदी और मोबाइल छीनकर इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना की शिकायत मालेगांव पुलिस थाने में की गई है। मालेगांव अकोला महामार्ग पर मालेगांव से पातुर की ओर जा रहे शिक्षक को दिन दहाड़े लूटने की घटना सामने आई है। मालेगांव अकोला महामार्ग पर वारंगी फाटे के पास 52 वर्षीय संदेश देवकर नामक शिक्षक मालेगांव पंचायत समिति के काम समाप्त करने के बाद पातुर जा रहे थे। तब दोपहर 3 बजे के दौरान लघु शंका के लिए रुके थे। तब दो युवकों ने वहां आकर उनके साथ धक्का मुक्की कर हाथ में लटकाई हुई सरकारी कागजातों की बैग छीन ली और जेब से नगद ₹3,000 और ₹10,000 कीमत का मोबाइल छीन कर मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग निकले। जिला परिषद के शिक्षक संदेश देवकर ने इस घटना की शिकायत मालेगांव पुलिस थाने में की है। मालेगांव पुलिस ने दोनों अज्ञात आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आगे की जांच मालेगांव पुलिस कर रही है। जिला प्रशासन द्वारा घोषित वीकेंड लॉकडाउन को अच्छा प्रतिसाद मिला है। इस दौरान केवल जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली थी जबकि अन्य सभी प्रकार की दुकानें बंद थी। राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए शुक्रवार रात 8 बजे से वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने भी इसे कड़ाई से अमल में लाने की तैयारी की थी। उसके बाद इसमें कुछ संशोधन किया गया और वीकेंड लॉकडाउन में अत्यावश्यक व जीवनावश्यक सेवा को अनुमति दी गई। अकोला में वीकेंड लॉकडाउन को सभी का अच्छा प्रतिसाद मिला है। अकोला शहर में सुबह से ही सड़कें खाली नजर आ रही थी। शहर में प्रत्येक चौराहे पर भारी भीड़ नजर आती थी जो शनिवार को नजर नहीं आई। फिर भी लोग सड़कों पर आवागमन करते नजर आए। विशेष बात यह है कि शहर में पुलिस द्वारा कहीं भी नाकाबंदी नहीं की गई थी और एक भी पुलिस कर्मचारी सड़क पर नजर नहीं आ रहा था। शनिवार को केवल जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानें शुरू नजर आई जबकि अन्य सभी प्रकार की दुकानें बंद थी। कुल मिलाकर अकोला में शनिवार के लॉकडाउन को शहर के नागरिकों ने अच्छा प्रतिसाद दिया, जिसकी जानकारी निवासी उपजिला अधिकारी संजय खरसे ने दी। अकोला जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या अधिसूचनेप्रमाणे माननीय जिल्हाधिकारी महोदयांच्या आदेशानुसार या ठिकाणी लॉकडाउन घोषित करण्यात आलेला आहे। त्या अनुषंगाने शनिवार रविवारला संचारबंदीचे आदेश या ठिकाणी लागू करण्यात आलेले आहेत। या दरम्यान ज्या अत्यावश्यक सेवा आहेत आणि जीवनावश्यक वस्तूचे दुकाने आहेत ती वगळता सर्व दुकाने आज या ठिकाणी बंद आहेत। या ठिकाणी आवश्यक कारणाशिवाय कोणाला मुक्त संचार करता येणार नाही आणि जमावबंदीचा आदेश आहे। कोणाला एकत्रित 5 पेक्षा जास्त लोकांना राहता येणार नाही अशा प्रकारचे आदेश आहेत आणि त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा सद्यस्थितीत बदल नाही। आज थोडा आढावा घेतला तर सर्व दुकाने बंद आहेत। लोक काही जे अत्यावश्यक सेवेचे आहेत तेवढेच लोक रस्त्यावर या ठिकाणी दिसत आहेत। सर्वसामान्य नागरिकांना विनंती करतो की महाराष्ट्र शासन आणि जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या सूचनांचं काटेकोरपणे पालन करावं।
मालेगांव तहसील के जवुलका रेलवे खेत परिसर में पानी की तलाश में निकला नीलगाय झुन कुएं में गिर गया। इस घटना में 11 नीलगाय की कुएं में डूबकर मौत हो गई। यह कुआं बिना मुंडेर का था। वाशिम जिले के मालेगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले जवुलका रेलवे खेत परिसर में पानी की तलाश में आई 11 नीलगायों का एक झुंड कुएं में गिर गया, जिसमें सभी नीलगायों की मौत हो गई। इस घटना के बाद देर रात सभी नीलगायों के शवों को जीसीबी की सहायता से कुएं से बाहर निकाला गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव का एक आदमी जलावन इकट्ठा करने के लिए खेत परिसर गया था। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा तो उसने देखा कि नीलगायों के शव कुएं में तैर रहे थे। उसने तुरंत ग्रामीणों को इस घटना की जानकारी दी। यह क्षेत्र काटेपूर्ण अभयारण्य के आसपास के क्षेत्र में आता है, जहाँ रूही, तेंदुए और अन्य प्रकार के जंगली जानवर हमेशा दिखाई देते रहते हैं। जिस कुएं में 11 नील गायों का झुंड गिरा था, उसके पास सुरक्षात्मक दीवार नहीं थी। यह कुआं जमीन के समांतर था, इसलिए पानी की तलाश में उसी स्थान पर आए नील गायों का झुंड कुएं में गिर गया। इस प्रकार का अनुमान वन विभाग ने लगाया है। जैसे ही इस घटना की जानकारी वन विभाग को मिली, उसके बाद वन विभाग की रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंची थी। 4 घंटे के अथक प्रयासों के बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने देर रात जीसीबी की सहायता से मृत नील गायों को बाहर निकाला। 108 एम्बुलेंस सेवा के जिला समन्वयक पर कार्रवाई की मांग को लेकर एम्बुलेंस चालक ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने बेमियादी अनशन आरंभ किया है। चालक ने आरोप लगाया है कि समन्वयक ने गाली गलौज कर मारने की धमकी दी। अश्लील गाली गलौज कर मारने की धमकी देने वाले 108 एम्बुलेंस सेवा के जिला समन्वयक पर कार्रवाई करने की मांग के लिए पातूर तहसील के आलेगांव के एम्बुलेंस चालक उमेश राउत ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने बेमियादी अनशन शुरू किया है। एम्बुलेंस चालक उमेश राउत पातूर तहसील के आलेगांव में ड्यूटी पर कार्यरत थे, तभी जिला समन्वयक डॉक्टर फैजान जागीरदार ने एम्बुलेंस चालक उमेश राउत को पातूर लोकेशन जाने के लिए विवाद किया तथा अश्लील गाली गलौज कर मारने की धमकी दी। इस संबंध में एम्बुलेंस जिला समन्वयक पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग के लिए उमेश राउत ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने बेमियादी अनशन शुरू किया है। जागीरदार डीएम सर, अपना व्यवस्थापक 108 रुग्णवाहिका यांचे डीएम मैनेजर साहब, त्यांनी मला जाणून बुजून शिवीगाळ केली। माझं नाव उमेश रमेश राऊत, नॅट पोस्ट आलेगाव, तालुका पातूर, डिस्ट्रिक्ट अकोला। आलेगाव लोकेशन 108 ॲम्ब्युलन्स गाडीवर मी ड्रायव्हर आहे, ड्रायव्हर म्हणून काम करतो। आणि त्यांनी मला जाणून बुजून एक कॉल दिला होता, तो कॉल मी घेण्यास नकार दिला होता। त्यांनी मला माझ्या आई बहिणीवर शिवीगाळ दिली, त्याबद्दल मी हे उपोषण करीत आहे। सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मी निवेदन देऊन मी 8-5 बसलो, पण मला काही अजून न्याय मिळाला नाही। त्याकरिता माझ्यावर अन्याय झाला म्हणून मी उपोषणाची तयारी केली, म्हणून कालपासून मी उपोषणाला बसलो। आणि मला न्याय द्या, मी माझं उपोषण मागे घेतो आणि डीएम सरांना निलंबित करा लवकरात लवकर, ही माझी विनंती आहे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी सरकारी कार्यालयों में 50% उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं, परंतु अधिकांश कार्यालयों में 25% से भी कम उपस्थिति दिखाई दे रही है। अकोला शहर सहित जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों में 50% अधिकारी और कर्मचारियों की उपस्थिति रखने के आदेश जारी किए थे, ताकि सरकारी कार्यालयों में कोरोना संक्रमण का फैलाव न हो। परंतु जिलाधिकारी के आदेश का अनुचित लाभ उठाया जा रहा है। जिलाधिकारी कार्यालय, जिला परिषद, पंचायत समिति कार्यालय सहित अन्य सभी सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों में नाम मात्र के लिए अधिकारी और कर्मचारी आ रहे हैं। एक सरकारी कार्यालय के विभाग में तो केवल एक ही कर्मचारी अपना काम करता नजर आया। सभी कार्यालयों में 50% उपस्थिति अनिवार्य की गई है, लेकिन अधिकांश सरकारी कार्यालयों में 25% कर्मचारी भी नजर नहीं आ रहे हैं, जिन पर किसी का कंट्रोल नहीं रह गया है। फलस्वरूप अधिकांश अधिकारी और कर्मचारी अघोषित छुट्टी का आनंद ले रहे हैं, जिसका खामियाजा सरकारी कार्यालयों में अपने काम के लिए आने वाले नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है, जिसकी ओर संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। यदि वरिष्ठ अधिकारी इन कार्यालयों का औचक दौरा करे तो वस्तु स्थिति सामने आ सकती है। जिला प्रशासन द्वारा शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिसमें संशोधन करते हुए संपूर्ण लॉकडाउन के बजाय कड़े निर्बंध लगाए गए हैं। अब शनिवार और रविवार को जीवनावश्यक दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। अकोला जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शुक्रवार 30 अप्रैल तक मिनी लॉकडाउन और भीड़ न करने का आदेश 5 अप्रैल को जारी किया गया था। इस आदेश में आंशिक सुधार किया गया है तथा नया संशोधित आदेश जारी किया गया है, जिसके कारण शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन नहीं रहेगा।
प्रतिदिन की भांति जीवन आवश्यक चीजों की दुकानें खुली रहेंगी, जबकि प्रतिबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं रहेगी। अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों में अब पेट्रोल पंप व पेट्रोलियम उत्पादों को शामिल किया गया है। साथ ही कार्गो सर्विसेज, डाटा सेंटर, आईटी सर्विसेज, शासकीय व निजी सुरक्षा सेवाएं, फल विक्रेता, ऑप्टिकल्स की दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा निजी आस्थापना व कार्यालय सुबह 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक पूरे सप्ताह खुले रखने की अनुमति होगी। यह आदेश 30 अप्रैल तक अकोला शहर व जिले के सभी तहसील और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लागू रहेंगे। राज्य सरकार के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने धारा 144 के तहत नाइट कर्फ्यू लागू किया है, जिसके कारण पुलिस ने रात की गश्त बढ़ा दी थी, जिसका असर अब दिखाई देने लगा है। रात के समय शहर के प्रमुख मार्ग सुनसान और वीरान नजर आने लगे हैं। अकोला शहर सहित जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा कठोर निर्बंध के साथ साथ धारा 144 के तहत नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। 5 अप्रैल की रात से लागू नाइट कर्फ्यू 30 अप्रैल की रात तक जारी रहेगा। धारा 144 के तहत रात 8 बजे के बाद बिना ठोस कारण किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, फिर भी लोग बिना वजह सड़कों पर घूमते नजर आ रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने रात की गश्त बढ़ा दी थी और सड़कों पर नजर आने वाले नागरिकों सहित वाहन चालकों से पूछताछ और बाहर निकलने का कारण जान रही थी, जिसका असर अब दिखाई देने लगा है। रात 8 बजे के बाद शहर के प्रमुख चौराहों मार्गों पर इक्का दुक्का वाहन के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा है। शहर के सभी प्रमुख मार्ग रात के समय सुनसान नजर आ रहे हैं, जिसके कारण अकोला शहर में धारा 144 प्रभावी रूप से अमल में लाई जा रही है। फिर भी घनी बस्तियों में रात 8 बजे के बाद भी लोगों की चहल पहल नजर आ रही है। देशमुख समाज को लेकर साम टीवी ने जो उद्गार व्यक्त किए हैं वो गलत है, इस चैनल की जांच कर अपराध दर्ज करें, इस प्रकार की मांग क्षत्रिय देशमुख प्रतिष्ठान संग्रामपुर की ओर से तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री से की है। देशमुख समाज को लेकर साम टीवी ने व्यक्त किए उद्गार गलत है, उस चैनल की जांच कर अपराध दर्ज करें, ऐसी मांग क्षत्रिय देशमुख प्रतिष्ठान संग्रामपुर की ओर से तहसीलदार के जरिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को प्रेषित ज्ञापन में की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि कुछ दिन पूर्व राज्य गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने पद का इस्तीफा देने के बाद साम टीवी चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज की पट्टी पर एवं स्वयं की टीआरपी बढ़ाने देशमुख समाज के प्रति गृह मंत्रालय की देशमुखी संपुष्टात गेली ऐसी हेडलाइन चलाई। इससे देश एवं राज्य के देशमुख समाज के मन को ठेस पहुंचाई। यह काम नजर चूक से किया या किसी के बताने पर, इसकी जांच कर साम टीवी पर अपराध दर्ज कर कार्रवाई करे तथा साम टीवी हर समाज के माध्यम से देशमुख समाज की जाहिर माफी मांगे, ऐसा ज्ञापन में कहा गया है। ज्ञापन पर स्वप्निल देशमुख, क्षत्रिय देशमुख प्रतिष्ठान संपर्क प्रमुख प्रफुल्ल देशमुख, पुरुषोत्तम देशमुख, जानराव देशमुख, संजय देशमुख, राजेश्वर राव देशमुख के हस्ताक्षर है। आज आम्ही संग्रामपूर तहसील मध्ये निषेध म्हणून त्यांचे एक निवेदन दिलेलं आहे। खऱ्या अर्थाने विषय असा होता की सन्माननीय राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर परमश्रीम यांनी 1 महिन्याचे 1 कोटी 100 कोटी रुपये घ्यावे अशा प्रकारची आरोप केला होता। त्या आरोपासंदर्भामध्ये अनेक लोकांनी त्या ठिकाणी अनेक पक्षाच्या विविध पक्षाच्या लोकांनी त्यांनी राजीनामा द्यावा अशा प्रकारची मागणी केली होती। त्या मागणीमध्ये सुद्धा मी सहभागी होतो, परंतु अनिल देशमुख यांनी नियमाच्या नुसार त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिलेला आहे। राजीनामा दिल्यानंतर साम टीव्हीने एक अशा प्रकारचं वक्तव्य केलं की आता देशमुख समाज हा संपुष्टात आलेला आहे। आता एका माणसानं राजीनामा दिल्यानंतर त्यांनी नियमाचं पालन केलं, नियमाचं पालन करत असताना एका देशमुखाने राजीनामा दिल्यानंतर संपूर्ण देशमुख समाजात हा संपुष्टात आला अशा प्रकारचं निदान वक्तव्य करणे हे लांछनास्पद आहे, म्हणून त्याचा आम्ही निषेध करतो। आणि साम टीव्हीच्या माध्यमातून देशमुख समाजाची त्यांनी माफी मागावी अशा प्रकारची त्यांना आम्ही विनंती करतो, परंतु आम्ही आज त्या विषयाला आम्ही दूर ठेवलेला आहे। आता तो विषय आमचा दूर राहिला पाहिजे, तरी साम टीव्हीनं या ठिकाणी देशमुख समाजाची माफी मांगावी, अन्यथा पूर्ण महाराष्ट्रातला हा देशमुख समाज रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही। लॉकडाऊन के कारण कलाकारों को भूखों मरने की नौबत आ रही है, जिसे देखते हुए कलाकारों के लिए नियमावली तैयार कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाए, इस प्रकार की मांग का निवेदन प्रतिष्ठित कलावंत प्रतिष्ठान की ओर से दिया गया है। प्रतिष्ठित कलावंत प्रतिष्ठान की ओर से जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री तथा पालक मंत्री को निवेदन प्रेषित कर कलाकारों तथा उनके परिवारों की हो रही भुखमरी का रास्ता निकालने की मांग की गई है।
इसमें कहा गया है कि एक साल से सभी तरह के कलाकार भुखमरी का सामना कर रहे हैं। कला के भरोसे परिवार का भरण पोषण करने वाले कलाकारों ने अपनी कला तथा साहित्य साधना को बेचकर किसी तरह से परिवार का पेट भरने का प्रयास किया है। जीवन में कभी भी जो काम नहीं किया उसे कर किसी तरह से वे अपना पेट भरने पर विवश है। कला की दौलत बिखेरने वाले कलाकार आज चाय टपरी, सब्जी की दुकान, निर्माण कार्य में मजदूर बनकर परिवार का पेट भरने के लिए मेहनत के काम कर रहे हैं। प्रतिष्ठित कलावंत प्रतिष्ठान ने मांग की है कि कलाकारों के लिए नियमावली तैयार कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए उन्हें अनुमति दी जाए, अन्यथा कलाकारों को रास्ते पर उतरकर आंदोलन करने के लिए विवश होना पड़ेगा। मी प्रकाश अवतार, प्रतिष्ठित कलावंत प्रतिष्ठान संस्थापक। संपूर्ण राज्यामध्ये कलावंतांना या लॉकडाऊनचा खूप मोठा चांगल्या प्रकारे फटका बसलेला आहे, त्यामुळे कलावंतांनी आंदोलन करण्याचा इशारा या ठिकाणी दिलेला आहे। म्हणून मी जिल्हाधिकारी कार्यालय यासमोर आज निवेदन देत आहे आणि कलावंतांना येत्या 20 तारखेच्या आत कोणताही शासन निर्णय काढून त्यांना जर कलावंतांचे कार्यक्रम सुरू करत नसतील तर 20 तारखेच्या पुढे कलावंत हा रस्त्यावर उतरून संपूर्ण राज्यामध्ये आंदोलन करणार आहे, याची दखल शासनाने घ्यावी करिता मी आज या ठिकाणी निवेदन देत आहे। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइनचे प्रस्तुतकर्ता घरकुल मसाले, दे रोजच्या जेवणाला मायेची चव। मालेगाव अकोला रोड पर दिनदहाड़े लूट की वारदात। वीकेंड लॉकडाउन को शहर में अच्छा प्रतिसाद। मुंडेर विहीन कुएं में गिरकर 11 नील गायों की मौत। ₹108 एम्बुलेंस के जिला समन्वयक के खिलाफ बेमियादी धरना। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर कार्यालयों से कर्मचारी गायब। समाचारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।